तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल कार सिलेक्टर्स में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मारुति सुजुकी एस क्रॉस के बारे में। तो कंपनी का कहना है कि ये एक फेसलिफ्ट है, पर अगर आप इसको इंटीरियर एक्सटीरियर जहाँ से भी देखें आपको कोई भी फ़र्क नहीं दिखेगा, मतलब एक भी चीज़ का फ़र्क नहीं दिखेगा इसमें आपको। बिल्कुल सेम कार है ये, जैसी कि शुरू से चलती आ रही है। अगर हम इसकी फ्रंट की बात करें तो आप देख सकते हैं वही ग्रिल मिलते हैं आपको सेम, और वैसे ही प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और नीचे एलईडी लैम्प्स और स्किड प्लेट्स वगैरह बिल्कुल सेम मिलती हैं कार के आपको। पर पता नहीं क्यों मारुति अपनी इस कार को कह रही है कि हमने एस क्रॉस को चेंज कर दिया। एस क्रॉस को 1% भी चेंज नहीं किया गया है एक्सटीरियर से, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत ही मतलब कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा ये सेम लगती है उस कार से, मतलब बिल्कुल ना कोई डिज़ाइन में चेंज ना कोई किसी भी चीज़ में चेंज नहीं है इस कार के। जैसा कि आप देख सकते हैं साइड लुक भी इस कार का बिल्कुल भी चेंज नहीं है इस कार में। बस इसे VS6 में कन्वर्ट करा था, VS6 में तो ये पहले ही आने लग गई थी, पर अब इसे पता नहीं क्या किया है जो कि इसे न्यूज़ में लाने के लिए। इस कार की सेल्स फिगर बिल्कुल भी नहीं होती थी पहले, मतलब बिल्कुल ये एक आप कह सकते हैं बहुत कम सेल्स होती थी इस कार की, इसीलिए इस कार को थोड़ी सी पब्लिसिटी में लाने के लिए मारुति ने ऐसा किया है। आप अगर इसके रियर को देखें तो रियर भी इसका पहले जैसा ही लगता है बिल्कुल सेम, वैसे इसकी आपको लाइटिंग्स वगैरह मिल जाती है, पार्किंग लाइट्स वगैरह। कंपनी ने इसे बस थोड़ी सी पब्लिसिटी हो जाए इसीलिए इसको बस थोड़ा बहुत ऐसे चेंजिंग कर दी होगी, वो भी थोड़े बहुत इंजन वगैरह में चेंजिंग की होगी। ज़्यादा मतलब 95% तो इसमें कार में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है, जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं। फ्रंट भी इसका बिल्कुल सेम था पहले जैसा, रियर भी और साइड लुक भी बिल्कुल सेम कार है ये। वही आपको सेम इसमें इंजन मिलता है जो कि VS6 में कन्वर्ट होने के बाद मिलता था। 1.5 लीटर का इसमें आपको पेट्रोल इंजन ही मिलता है और आपको इसमें कोई भी इंजन नहीं मिलता। अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में भी इसका सिर्फ 1% का भी फर्क नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम इंटीरियर है। लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील कंट्रोल, बिल्कुल वैसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है आपको जैसा कि आपको पहले वाली एस क्रॉस में मिला करता था। और भी आप देख सकते हैं सारे आपको बटन डिज़ाइन सारा कुछ सेम मिलता है पहले वाली एस क्रॉस जैसा, पर पता नहीं क्यों इसे नेक्स्ट जनरेशन कहा गया है। नेक्स्ट जनरेशन कह सकते हैं आप इसे, या फिर कार चेंज हो गई है, बहुत कुछ कह रहे हैं। पता नहीं क्यों इसे इतना ज़्यादा पब्लिसिटी दी जा रही है जबकि इस कार में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है अभी तक। बाकी और इसके इंटीरियर की बात करें तो बिल्कुल सेम इंटीरियर है इसका, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो बीच में लगा है स्टीरियो सिस्टम वो भी बिल्कुल सेम है पहले जैसा, उतनी ही टच स्क्रीन का साइज है। बाकी आपको इसका AC वेंट्स वाला वो मॉनिटर भी बिल्कुल सेम मिलता है, बिल्कुल सेम मिलती है आपको ये कार अंदर से, मतलब जो जितना पहले लेदर रैप था उतना ही अब लेदर रैप है। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बिल्कुल सेम मिलता है इसमें आपको लेदर, बस इसमें आपको इंटीरियर में अब इसके टॉप मॉडल में लेदर सीट्स मिलने लग गई है, मतलब बेस मॉडल से टॉप मॉडल तक पहले आपको इसमें लेदर सीट्स नहीं मिलती थी, बस ये एक लेदर सीट्स का ही फ़र्क है इसमें, बाकी और तो मेरे को कोई इसका फ़र्क लगा ही नहीं। अगर हम बात करें इसके इंजन ऑप्शंस प्राइजेज वगैरह की तो वही प्राइजेज है इसके बिल्कुल सेम जो कि पहले थे, बस 20-30 हज़ार रुपये इसके ज़्यादा कम किए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। बाकी अब ये सिर्फ पेट्रोल में ही आती है। इसके अगर इंजन की बात करें तो 1.5 लीटर का इसमें आपको इंजन मिलता है जो कि 115 BHP की पावर जनरेट करता है, बाकी सिर्फ पेट्रोल में आता है। ऑटोमेटिक मैनुअल आपको दोनों मिल जाते हैं इस कार में, बिल्कुल सेम है कार पहले जैसी कंपनी का, ये सिर्फ पब्लिसिटी का मामला है और कुछ भी नहीं है। ये कार बिल्कुल ही सेम है, मतलब मेरे को तो इस कार के लुक इंटीरियर एक्सटीरियर बिल्कुल सेम लगे हैं, पता नहीं क्यों कंपनी इसको नेक्स्ट जनरेशन कह रही है, ज़्यादा कोई फ़र्क तो है ही नहीं। 95-96% तो वैसे ही पड़ी है कार, कुछ इंजन में चेंजेस किए होंगे तो किए होंगे। बाकी आज की वीडियो में तो इतना ही, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद जय भारत।